लॉर्ड मार्ले ने कहा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। यह बहुत स्वाभाविक सी बात है कि आपका संगठन कैसे लोगों से पटा पड़ा हुआ है। सात दोस्तों का एक जत्था पिकनिक मनाने के लिए एक आइलैंड पर निकलते हैं। सबने अपने अपने टिकट ली, सब अपनी अपनी सीट पर आकर के बैठ जाते हैं। कुछ दूर यात्रा करने के बाद आपसी मतभेद हो जाता है। एक नवयुवक अपनी सीट के नीचे से ड्रिल मशीन निकालता है और अपनी सीट पर छेद करने लगता है। इतने में बाकी उसके छह दोस्त आपत्ति करते हैं। वो कहते हैं, क्या तू पागल हो गया है? तुझे समझ में नहीं आ रहा है, खुद तो डूबोगे और हमें भी लो डूबोगे। विरोध करना जायज था, बिल्कुल जायज था। वो नवयुवक कहता है कि चुप रहो, ये ड्रिल मशीन मेरी अपनी है, इस यात्रा का टिकट का खर्च मैंने दिया है, ये सीट मेरी अपनी है, मैं अपनी सीट के नीचे छेद कर रहा हूं, मुझे जो मन करे मैं वो करूं, तुम्हें इस बात से क्या तकलीफ है? आपको क्या लगता है उसका निर्णय रह गया? नहीं, अब उस नव युवक का निर्णय नहीं रह गया। उसी तरीके से मंत्रिपरिषद का एक मंत्री के द्वारा लिया गया निर्णय सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिपरिषद का निर्णय होता है। यानी एक मंत्री अगर जो निर्णय लेगा, पूरी पूरी मंत्रिपरिषद उसका निर्णय माना जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अगर एक मंत्री डूबेगा तो पूरी पूरी मंत्रिपरिषद डूबेगी। तो ये कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे।